दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम अपने उन स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जुलाई बैच के हैं। तो आइए इनसे मिलवाते हैं, देखते हैं कौन से बच्चे कहाँ आए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम अजय है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं सर यहाँ हाउस वायरिंग और मोटर वेल्डिंग रिपेयरिंग वाला हूँ। जी अभी तक आपने क्या क्या सीखा सर? सर हम हाउस वायरिंग, मोटर वेल्डिंग और फ्रिज वगैरह चल रहा है सर। तो आप जो सीखे हैं उसको कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ पे रहने के लिए क्या सुविधा मिलती है? रहने के लिए सर हमें हॉस्टल मिला है जो कि फ्री में है, सब व्यवस्था सही है। हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आने में आपको क्या तकलीफ हुई? आने में सर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गोपीगंज से ट्रेन पकड़े थे, मऊ उतरे थे, वहाँ से बस पकड़े सीधा अहमदाबाद। जहाँ पे आप उतरे बस से, वहाँ से आपको कोई लेने के लिए पहुँचा था? नहीं सर आए थे। आए थे, चलिए ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? गाना होना अगर कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी आपका शुभ नाम? सुमित चौहान। सुमित चौहान, और बताइए इसके पहले आप कभी काम सीखे थे? नहीं, पहली बार। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? जी जो काम सीखा कर लेंगे। हाँ सर। काम सीखने में कोई तकलीफ नहीं, नहीं। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ सर। नेक्स्ट कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। नहीं सर कुछ कहना नहीं चाहते, जिनको सीखना है सर यहाँ आए आराम से सीखें, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। मेरा गाँव है, मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया। मेरा एक दोस्त दीपक यादव है, वो गया था सीख के, वो मेरी बुक भेजा। तो मैं सर से कॉल किया, उन्होंने सर से, तो बोले आ जाओ। फिर चालू थे जुलाई से, मैं यहाँ से 9 जुलाई को आया जी। फिर भी मैं सर वायरिंग, हाउस वायरिंग का काम पूरा मेरे को नॉलेज था, लेकिन फिर भी मैं सीखने के लिए आया। अच्छा, हाउस वायरिंग का आपको ढंग पहले से था? पहले से। अच्छा, आप हाउस वायरिंग किए तो क्या कुछ अलग मिला कि नहीं मिला उसमें? सर यहाँ पे आने के थोड़ा मेरे को बहुत अलग मिला, जो अभी मैं तो ऐसे देख देख के सीखा था, क्योंकि अभी मतलब जो आपको नॉलेज था उस नॉलेज के अलावा कुछ अतिरिक्त मिला सीखने को? कुछ हट के मिला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हट के मिला, हर चीज़ मतलब सिस्टम के हिसाब से यहाँ काम मिला। प्रैक्टिकल के लिए क्या मिला सर? प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला? प्रैक्टिकल भी मिला। सीखने में कोई दिक्कत? एनसीडी वगैरह आरसीसी का नॉलेज नहीं था, आरसीसी का वो भी मेरे को नॉलेज हो गया सर जी। और कंप्लीट हुआ, मोटर बाइंडिंग का भी मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा संख्या थोड़ा दूर हो गया। ठीक, और आपने क्या सीखा अभी तक? अभी सर कुछ नहीं, अभी फ्रिज दो तीन दिन हुआ फ्रिज का हो रहा था, उसका भी मतलब कनेक्शन भी पूरा हो गया है, अभी पेट का चल रहा है सर। अच्छा, फ्रिज आप चल रहा है आपका, अभी तक जो बीता उसमें कोई दिक्कत या परेशानी? बाकी यहाँ पे जो आना चाहता है निसंकोच बिना डरे आके आप यहाँ पे अपना हुनर को अपना काबिल कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि अपना जब कुछ सीखोगे तभी पैर पे खड़े हो सकते हो। और उम्र मत करो सीखने की, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होता, अगर धीरे धीरे सोचोगे कर जाएंगे, बच्चों जाएंगे, अगले बार जाएंगे, तो ऐसी उम्र बीत जाएगी, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। और यहाँ पे ऐसा कोई सिखाने वाला आपको कोई कहीं मिलेगा नहीं, आपको यहाँ एक बार नहीं 10 बार पूछो, आपको 10 बार सीखने को प्रैक्टिकल करने को आपको 10 बार मिलेगा। लेकिन आपके सच्चे दिल से आपको मन करिए आके आपके सीखिए, अगर कुछ शंका हो तो आपके 2-3 बार यहाँ पे 2-3 दिन आपके ट्रायल यहाँ पे मिलेगा, सीख लो। अगर आपको मन करे, अच्छा लगे तो आपके सीख सकते हैं। बाकी आपके रहने की क्या व्यवस्था है सर? सर रहने के लिए हॉस्टल मिला है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री है यहाँ पर। हॉस्टल में रहने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं सर, लाइट कट जाने की माटी का सुविधा है और यहाँ से पास में ही मतलब मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग वगैरह हो जाती है, दूर जाना नहीं पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं जाना। ठीक, थैंक यू। चलिए सर आपका शुभ नाम? जी मेरे को आने से बहुत ही लाभ मिला है, मैं बोर्ड की वायरिंग एकदम नहीं मेरे को आती थी, एक स्विच भी नहीं लगा पाता था, यहाँ आने से बोर्ड वायरिंग, मोटर वायरिंग और फ्रिज का सब कुछ मेरे को नॉलेज अभी हो गया है। और इसके पहले मैं दूसरा काम कर रहा था, लेकिन उस काम को मैं छोड़ के अभी
हाउस वायरिंग का ढंग सीखने आया और मोटर वायरिंग भी किया, लेकिन इसमें आने से मेरे को अति लाभ मिला है ताकि मैं कभी भी हर समय कभी खाली नहीं रह सकूँ। मेरे को अगर घर रहूँ तो काम भी मिल सके और शहर में कमाने जाऊँ तो दोनों काम मिल सके। कभी मेरे को छुट्टी है तो ये एल्यूमिनियम में काम नहीं मिल रहा है तो हाउस वायरिंग भी कर सकता हूँ। मेरे को ये इसी लाभ से मैं सीख रहा हूँ, यहाँ आने से बहुत ही लाभ है। अगर आप आएंगे तो आपको हर प्रकार की प्रैक्टिकल कराया जाएगा और एक दो घंटे का प्रैक्टिकल होता है, ये नहीं कि नहीं आप दो घंटे पढ़ लिए और छुट्टी हो जाए। यहाँ स्कूल के तरीके से पढ़ाया जाता है, 10 से 4 की टाइमिंग है। आप ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में छूट जाएंगे, पूरा भरपूर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। और एक बार आप कहने पर तो कोई नहीं विश्वास करे, लेकिन आप एक बार आके 3 दिन तक क्लास ज्वाइन करके देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो करिए क्लास आगे का, नहीं तो आप वापस जा भी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत परेशानी का बात नहीं है। आप एक बार मेरे कहने पर आप एक बार देखिए पहले बस। ठीक सर, धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इसके पहले आप क्या करते थे सर? माइक को पास में लगाइए। क्या करते थे इसके पहले? कारपेंटर का। अच्छा, तो इस लाइन में कहाँ से आ गए आप? तो अभी तक आपने क्या सीखा? सर अभी हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, आए 3 दिन हुआ। अच्छा अच्छा, तो फ्रिज पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत फ्रिज में? कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़े उसमें कर लेंगे। यस सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। जी, बाकी आप क्या करते थे इसके पहले? सर मैं अभी 12 का पेपर देकर जस्ट वीडियो देखा यूट्यूब का और इस क्लास को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद से आपने क्या क्या सीखा? सर मैंने हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग और फ्रिज का पूरा सीख लिया है। जी, हाउस वायरिंग कर लेंगे? जी सर, पूरा 100%। मोटर वायरिंग में जो आपने सीखा? जी सर, कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर, 10 बजे आता हूँ साइकिल और 4 बजे चला जाता हूँ आराम से। आप यहीं पास के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बाकी प्रैक्टिकल के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ? प्रैक्टिकल के लिए आपको 100% प्रैक्टिकल मिलेगा, जिसमें आपको खुद से करना रहेगा, साइड में रहेंगे वो बताएंगे आपको और आपके ही हाथों से कराया जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक, और कुछ कहना चाहते हैं? जिसको भी सर ये क्लास ज्वाइन करना है वो निश्चिंत होकर आए और सर क्लास ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल में ही मिलेगा। जी, घोसी से? हाँ जी। और यहाँ आने से पहले हमको ऐसा नहीं लगता था कि हम 45 दिन में इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हैं। जी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रीशियन का कोई जानकारी नहीं थी, और यहाँ आने के बाद हमको इलेक्ट्रीशियन का मतलब हाउस वायरिंग की पूरी जानकारी हो चुकी है, और उसके बाद मोटर वायरिंग भी हम लोग का भी, उसके बाद हम लोग का 2-3 दिन या लगभग 1 हफ्ते से फ्रिज का काम चल रहा है, और फ्रिज की वायरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। आज उसका प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा, फ्रिज का प्रैक्टिकल चल रहा था, वायरिंग वगैरह कर रहे थे, चेकिंग वगैरह। ठीक, और कुछ ये कहना चाहेंगे जिसको भी आना है पढ़ने के लिए अगस्त पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट। जी सर, और बताइए आप इसके पहले क्या करते थे सर? इसके पहले सर मैं पापा के साथ काम में हाथ लगाता था। तो आप यहाँ कैसे आ गए सर, वाराणसी के रहने वाले हैं? तो सर मेरे पापा ने कहा बेटा तुम इलेक्ट्रिकल का काम सीख लो, इलेक्ट्रीशियन वाला काम सीख लो। तो मैंने एक पोस्टर देखा इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट का, तो मैं आ गया यहाँ पर। अच्छा, आने में सीखने में कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पे? नहीं सर। बाकी रहने वहने में सही है सर। काम सिखाया जाता है? ऐसा तो नहीं ना खाली कहने पे बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं सर, प्रैक्टिकल मिलता है, इस टाइम प्रैक्टिकल चल भी रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, बाजू वाले को दीजिए अपने पास में। जी सर, आपका शुभ नाम? अब्बू सर। जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर?
खैराबाद मऊ। क्या करते थे इसके पहले आप? घर पर रहते थे। माइक को आगे कर लीजिए। घर पर रहते थे तो ये हाउस वायरिंग वगैरह का काम कुछ करते थे या फिर नहीं? अब क्या है? कर लेंगे। क्या क्या आपने सीखा है? अच्छा, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग और फ्रिज अभी चल रहा है। हाउस वायरिंग में कोई दिक्कत? कर लेंगे। मोटर बाइंडिंग? दीपू यादव कहाँ के रहने वाले हैं सर? मऊ जिला में। कहाँ से? अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा, भैया आपके देखे थे। बाकी इसके पहले आप क्या करते थे? घर पे। अरे और कुछ काम करते थे? बस घर पे रहते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। चलिए, तो यहाँ जो काम सिखाया गया है कर लेंगे, कर लेंगे। फ्रिज का काम सीखे हैं, जो चीज़ बताई गई है उसको कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। क्लियर? और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, शर्मा रहे हैं जी। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है जी। मैं बागी बलिया करवाने वाला हूँ। बागी बलिया? जी सर। जी, बहुत बढ़िया। और सर मैं मतलब मुंबई में जाकर 6 महीना भटका हुआ हूँ जी। तो मेरे को मालूम चला कि अगर बिना कोई काम से आप किधर जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। मेरा दोस्त एकदम किचवान भवन रहता है, यहीं से सीखे गया हुआ था जी। उसने सर से संपर्क कराया, कम नहीं कराया उसने। बाकी काम सीखने में कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत। आप बलिया से कैसे यहाँ पे आए? सर मेरा दोस्त यहाँ से सीखे गया हुआ है, जो कि अभी गोवा में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। वही बताया इंस्टीट्यूट मतलब। अच्छा अच्छा, बाकी आप आए तो कैसे आए? आने का मार्ग बता दीजिए। सर वहाँ से अपने रसान से पकड़ा मतलब पैसेंजर, यहाँ उतरा और आप ही गए मेरे को रिसीव करने। अच्छा अच्छा, चलिए। आने में कोई दिक्कत या परेशानी? कोई दिक्कत। यहाँ सेंटर पे आने पे? यहाँ पे आने पे मेरे को हॉस्टल की सुविधा सारी मिली यहाँ पे। बाइक पर जाने के बाद इन्होंने का व्यवस्था रखा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बाकी हॉस्टल में रहने में कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं है। ठीक सर, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे बागी बलिया के धरती से अगर कोई इलेक्ट्रीशियन का कार्य सीखना चाहता है जी सर, तो यहाँ पे आकर सीख सकता है। यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है, क्रिटिकल वगैरह सब होता है। अभी ऐसा सुविधा में सर पहले कहीं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सर, इससे पहले मैं 12 महीने तक पढ़ा हूँ। तो जब इतने में मेरे को इतना समझ नहीं आया, बस 10 दिन मेरे समझ में। ठीक सर, बाकी के लोग अभी उधर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो देखिए बाकी के लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे क्या है। जी सर खड़े जाइए, लीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मोहम्मद सैफ है। मोहम्मद सैफ है जी सर। अभी आप क्या कर रहे थे सैफ जी? जी दो सिस्टम से मिलकर चलती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में जी। तो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कैसे की जाती है वही सब बता रहे थे अभी ये। अच्छा, इधर अभी लोग कर रहे हैं। कर लेंगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद का रहने वाला हूँ। हैदराबाद जी सर। तो हैदराबाद से यहाँ कैसे आ गए सर? बस ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, इंटरेस्ट हुआ सीखने के लिए चले आए। आपको आने में कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, जब आप आए तो रहते कहाँ हैं सर? अरे यहीं पे सर, आप लोग ने दिया हुआ है पूरा एकदम। अच्छा, बढ़िया स्थल है। हाँ चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, यही कहना चाहते हैं जिसको सीखना है आइए यहाँ भी सीखिए, बहुत अच्छी से प्रैक्टिकल वगैरह हो रहा है। हमारे सर जी गुरु जी हैं यहाँ पे, पूरा एकदम अच्छी तरीके से सिखाते हैं, पूरा इन्जॉयमेंट के साथ सिखाते हैं, कोई ये प्रेशर वगैरह नहीं, मजा आता है सीखने। ठीक है, जितना अच्छा आप बोल रहे हैं उससे अच्छा आप मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बाकी रहने में यहाँ पे कोई दिक्कत या परेशानी हॉस्टल में? कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। सीखने में क्या क्या आपने सीखा अभी? हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग। कर लेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने उन स्टूडेंट से मिलाया जो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यदि आप कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो आके ले सकता है। यहाँ पे हर एक सुविधा मिलती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको 2 दिन से 3 दिन का डेमो क्लास भी मिलता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप काम करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाके अपना फिर से पुनः जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पैसा दीजिए पूरा और आइए, उसके बाद से नहीं समझ में आएगा तो भी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 से 3 दिन का डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको बात समझ में आती है कि हाँ सर ने ये बताया ये चीजें हमारे समझ में आए, तो उसके बाद से आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए। यहाँ पे आप अगर दूर दराज से रहने वाले हैं तो आपको रहने के लिए व्यवस्था भी मिलती है, रूम, गैस, चूल्हा, बिस्तर, बर्तन सब कुछ फ्री मिलता है। बस आपको अपना बनाना और खाना पड़ता है सर, जो भी आप बनाते खाते हैं वो राशन आपका अपना होता है। बाकी संस्था की तरफ से रहने के लिए रूम, गैस, सारी व्यवस्थाएं फ्री होती है, जिसका कोई आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये बच्चे अभी जुलाई के लिए था, अगर जिन बच्चों को अगस्त महीने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, अगस्त महीने का रजिस्ट्रेशन चालू है, वो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक करके वहाँ